पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेटे रणिंदर खिलाफ 4 साल बाद ईडी वालों दोबारा फाइल खोलण ते बाद हुण पंजाब दे 26 कांग्रसी विधायक इनफोर्समेंट डायरेक्टर दी रडार ते आ चुके ने। इन्हां विधायकां नूं ईडी जल्दी गैर कानूनी खनन मामले च नोटिस करके जांच लई शामिल कर सकदा है। ईडी नूं दिल्ली तों हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली दे वड्डे अधिकारी वी जलंधर आ के ईडी दे दफ्तर बह के फाइलां फरोलन विच जुट गए ने। ईडी जांच दा दायरा वधदा जा रहा है ते इस नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत विधायकां दे अंदर हलचल दा माहौल बन चुका है। पंजाब दे विच गैर कानूनी खनन दे इल्जाम श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी ते भी लगे ने। कैप्टन ने पंजाब दी सत्ता ते विराजमान होण तों पहलां पंजाब दे लोकां नाल वादा कीता सी कि उह गैर कानूनी माइनिंग करन वालियां नूं सज़ा दवा के हटणगे, पर कांग्रेस सरकार बणदे ही कैप्टन वी गैर कानूनी माइनिंग ते इल्जाम लगे सन। इस मुद्दे दे चलदिआं पंजाब दे विच बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह दी कुर्सी भी चली गई सी। इन्ना ही नहीं, गैर कानूनी खनन मामले जलंधर दे शाहकोट तों विधायक लाडी शेरोवालिया दे मामला दर्ज होया ते सैटिंग ऑपरेशन की वीडियो भी वायरल हुई सी। इस तों अलावा कई विधायकों के गैर कानूनी माइनिंग के इल्जाम भी लग चुके ने। सारे विधायक के सिर के उपर हुण ईडी की तलवार लटक रही है। पंजाबी गवनाम दे विच इह सी वड्डी खबर। खबरां देखणियां सुणनियां पढ़नियां तां बने रहो आज न्यूज़ वाला .com दे नाल।